अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। ये वार्ड नंबर 30 से आज इनकी विजय हुई है तो बात करते हैं। यहाँ पे मुकेश यादव जी हैं। मुकेश जी आज ये वार्ड नंबर 30 की जीत है। ये मेरी जीत नहीं है, वार्ड नंबर 30 की जीत हुई है। पूरी जनता की जीत है। कितने मतों से विजयी प्राप्त हुई? 148 मतों से। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? इसमें संदेश यही है कि पैसा हार गया और जो काम करने वाला व्यक्ति जीत गया। ठीक धन्यवाद। ये मेरा जीत नहीं, ये हमारी माँ का जीत नहीं, ये हमारे वार्ड नंबर 34 की जनता की जनता जीत है। जनता जीत है। गजेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब खड़ा रहे हैं मलिक। अरे गली गली घूमते थे ना, तो ये मेरा चला चला जल्दी, तू बड़ी पिछुआ जहाँ मेरे साहब हाँ जी, तो बता रहे थे गांव गांव में आप जा करके किस तरह से मेहनत किए हैं। जी गली गली घूमे हैं, एक एक आदमी से मिले हैं, गरीबों अमीरों से सबसे हम मिले हैं, पैदल चल कर मिले, सबका सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला हमको, सबको बड़ी बड़ी बाद में। तो विकास के लिए आप क्या सोचे हैं, नए तरीके से किस तरह से विकास करेंगे आप? बहुत अच्छा करेंगे जी। जब हम बैठ जाएंगे तो ऐसा कर देंगे कि गया का नया शहर बना देंगे। गया का नया शहर बना देंगे। पूरा नाम क्या हुआ आपका? चिंता देवी। ये चिंता देवी जी बोल रहे हैं कि हम गया का लुक बदल दे जी। क्या छाप? कुल्हाड़ी छाप। कुल्हाड़ी छाप से ये है जिनकी जीत हुई है, बोल रहे हैं कि गया का आउट लुक हम बदल देंगे। देखिए इसमें बदल देंगे कि गया का शहर वाले लोग बोलेंगे गया जी बना देंगे, गया जी बना देंगे। बहुत लोग आते हैं बाहर से। देखिए जी जी बताएं बताएं जी बताएं, बोले चिंता जी बताएं। जहाँ तहाँ से मनो देश विदेश से बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग यहाँ 15 दिन 20 दिन ठहरते हैं, इसलिए उनको लिए नया शहर बनाना जरूरी। तो इस जीत को आप श्रेय किनको देना चाहेंगे? क्या? जीत जो आपकी हुई है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सारा जनता को देंगे। जी 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 सारा जनता को देंगे। जनता में हमको उठाया है, जनता में हमको बहलाया है, जनता को हमको खुश करके रखना है। तो देखिए ये चिंता जी हैं, ये बोल रही कि हमारी जीत हुई है, हम गया को बदल देंगे, उसका आउटलुक बदल देंगे, क्योंकि यहाँ देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ का ढांचा हम बदल देंगे, ये इन्होंने वादा किया है, ये इनकी पहली प्राथमिकता होगी, ऐसा इन्होंने वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी में आएगा? आज आपकी जीत हुई है, आप किस तरह से अपनी जीत को देख रहे हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए ये जीत मेरी नहीं है,
ये जीत हमारे वार्ड नंबर 41 की प्यारी जनता का जीत, ये जीत उनकी है जिसे हम दिल से चाहते हैं, ये जीत उनकी है जिसे हम अपने परिवार के तरह मानते हैं, ये उनकी जीत। ये वार्ड नंबर कितना हुआ जिससे आप? वार्ड नंबर 41 है। वार्ड नंबर 41 हुआ, इस बार आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जिस प्राथमिकता के बारे में छोड़ दीजिए, जहाँ से हम खड़े होते हैं और जहाँ से मेरा लाइन शुरू होता है वहीं से प्राथमिकता चालू हो जाती है। बिल्कुल। और प्राथमिकता होती है आम जनता के लिए। चीज जान लीजिए, हम लोग अपना मतदान कहाँ गया? आप ना बताए, आप ये कहिएगा कि वोटर नहीं दिया, दिया है तो आप से हम खुद दिए, यही से बोलिए। 2012 में भी जीते मेरे हस्बैंड, जैसे ही ये पब्लिक के बीच में निकल गए, हमको 46 वोट से जीत गए, फिर 5 वोट से यही संजय सिन्हा हमको हरवाया सर, तुरंत एकदम बेमानी कर बोलो जी अपना बात। जब हम चिल्लाए ना सर, सब हक गया सर, मेरा पुस्तक हो गया सर, अभी भी वही हुआ सर, हम ईवीएम मशीन में हम साइन किए हैं खौरी, लेकिन सब मेरा खुद खुल गया है, हमको इसमें सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, 14-12 ऐसा हो हमारे वार्ड का आप नगर निगम को लेकर क्यों नहीं देते हो? कहाँ से नहीं मिला है? उन्हें किससे मिला है? बड़ा बाबू से क्या होगा आपको? लीडीसी से मिले हैं? लीडीसी कह रहा है कि उनका वहाँ से नहीं मिला, अनाउंस कर रहे हैं उसको, डिटेल्स दीजिएगा तभी ना लोग। एक फोटो कॉपी ले करके वार्ड वार इनको दे दीजिएगा, ये वार्ड वार दे देते हैं सर, लेकिन बाढ़ वाले मेयर डिप्टी मेयर का कितना जब फाइनल होगा फाइनल भेजेगा कंपटीशन, अभी तक कितना हुआ वार्ड वार जो हुआ उसको दे दीजिएगा, सर इन लोगों को मिलना जरूरी है। थैंक यू। नीचे की कौन है? नीचे नीचे के भाई जो स्टार्ट। हाँ, रोल है सर। ये चुनाव के बारे में बताएंगे कि अभी तक क्या स्थिति है? चुनाव का भी काउंटिंग ठीक ढंग से चल रहा है सर, मैं आगे आके आपके निरीक्षण किया हूँ। फतेहपुर डोभी का लगभग कंप्लीट ही है, नगर निगम का भी वार्ड का लगभग कंप्लीट है, और मेयर डिप्टी मेयर का कंपिलेशन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि और 2 घंटा में सब प्रकार के रिसल्ट समाप्त होना चाहिए, मैक्सिमम 3 घंटा 6 बजे तक सब क्लियर हो जाना चाहिए। अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि अपनी पीड़ा बता रहे थे आपसे, वो अपना कुछ लोग 3-4 लोग हमको बताए थे कि कुछ कारणों से वो रिकाउंटिंग चाहते हैं, तो आरओ और ऑब्जर्वर को निर्देश दिया गया है कि जो भी उनका अपनी बातें हैं उसका समीक्षा करके, क्योंकि आरओ का निर्णय लेना है और ऑब्जर्वर जो हैं वो आयोग द्वारा भेजी गई एक निष्पक्ष ऑफिसर हैं, बाहर से आए हैं, तो वो लोग बैठ करके निर्णय लेंगे, अगर सही आरोप है सही उनका है तो फिर उनका पक्ष में निर्णय लीजिएगा, अदरवाइज उनका पक्ष में नहीं लिया जाएगा। तो उनका आरओ और ऑब्जर्वर का यह बिल्कुल व्यक्तिगत प्रेरोगेटिव है, इसमें डीईओ का कुछ रोल नहीं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, उन्हें कुछ ऐसा दिया है संदेश या कुछ? नहीं, मुख्यमंत्री जी हिज होलीनेस दलाई लामा से मिले और वहाँ पर उन्होंने सब चीज़ें देखा और उन्होंने निर्देश दिया है और वो संतुष्ट दिखे, जो कोविड के
प्रति प्रशासन द्वारा उठाया जा रहा है कदम, और निर्देश उन्होंने दिया है कि कोविड का जो भी कदम उठाना कोविड के रोकथाम के लिए उसको जरूर अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से लिया जाए, जिला प्रशासन को निर्देश कर दिया। कोविड में सर टीकाकरण केंद्र जो है से कई जगह पे टीकाकरण अभी कोविशील्ड हम लोग ने डिमांड किया है, जैसे कोवैक्सीन है अभी हम लोग के पास स्टॉक है, कोविशील्ड हम लोग पास है नहीं, तो ज़्यादातर लोगों को कोविशील्ड ही लगा है, तो जैसे ही मिलेगा हम लोग उसे चल। कितने और बार से आपकी जीत हुई राजीव जी? वार्ड 42 से जी, बताएं। मैं राजीव कुमार सिन्हा, पिछले बार भी चुनाव 22 वोट से मात्र हार गया था, उसके बावजूद भी मैं पांचों साल अपने वार्ड 42 के जनता के समक्ष रहा, उनके सुख सुख दुख में मेरी सहभागिता रही, आज उन्हीं के दोबारा आज हमको जीत हासिल हुई है। ये दूसरी बार दो बार चुनाव लड़े हैं, इस बार जीते हैं, एक बार जीते हैं, ले भैया एक बार जीते हैं, ले कहलियो ना दोनों भैया को, दोनों 40 41 42 साहब और ये आप उसमें कुछ बोलना चाह रहे थे, आप जीत हुई है, अब दोनों जीते हैं, बताएं। हम नहीं जीते जी, जनता जीती, जनता वार्ड 41 की जनता जीती, बिल्कुल बिल्कुल वार्ड 42 की जनता जीती, उनका प्यार जीता है, उनका विश्वास जीता है, उनका साथ जीता है, हम कौन होते हैं जीतने वाले, सब ऊपर वाला है, हम लोग का कर्म है, जब तक हम हैं सब थोड़ा सा वो हैं तब हम सुनिए ना, इतना ही जानिए, जब हमारी वार्ड की जनता जब तक उनका साथ, उनका विश्वास, उनका प्यार मेरे साथ रहेगा, कोई दुश्मन एक बाल भी बांका मेरा टेढ़ा नहीं कर सकता, एक चीज हमेशा याद रखिए। और आज तक 2007 से जो जनता ने मुझ पे विश्वास जताया है उसको मैंने कभी भी धोखे में नहीं रखा, जो भी किया सामने किया, सबको साथ में सामने बोला कि हम हमसे जितना बन पड़ेगा उतना हम, जितना मेरा शरीर में ताकत, मेरा जान सब आप लोग के लिए, और जब तक हैं आपके हैं और आपके रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू कि जनता ने जो मुझे मुझ पर विश्वास जताया, मुझ पर भरोसा जताया, उस भरोसे का मैं सम्मान करता हूं, उसका आदर करता हूं, और दिल की अपनी गहराइयों से, उसके तहे दिल से सभी को जो मुझे वोट दिए और जो मुझे नहीं दिए सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और आने वाले दिन में मैं चाहूंगा कि जो पहले मैंने काम किया उससे ज्यादा बढ़कर, बिल्कुल यही मेरी सोच है और हमेशा रहती है। हेलो बाद में लिया मैंने, अच्छा आवेगा ना सर्टिफिकेट गौरव जी, अश्विनी जी, जरा सा चलो, जरा सा भैया, चलिए
धन्यवाद सर आपको भी। वीरेंद्र जी कितने जी, धन्यवाद सर। जी सर, आज लगभग 5000 वोट से हम विजय हुए हैं। इसके लिए मैं पूरे गयावासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ। जिस तरह से हमको सहयोग दिया है, आगे भी मैं उसके लिए आगे भी दुआ करूँगा। पहले भी कर चुका हूँ, मैं गयावासियों बराबर भैया सर करूँगा। आप तो कह रहे हैं कि गया की जनता की जीत है, और ये तो कह रहे हैं कि महागठबंधन की जीत है। किसकी जीत है, गया की जनता की या महागठबंधन की? गया की जनता की भी जीत है। मुझे सभी पार्टियों का बहुत बड़ा सहयोग था। सभी पार्टियों का बड़ा पूछो। हेलो, इसके बाद अभी पहले भी आप मेयर रहे, ये पार्टी किसी पर चुनाव नहीं था। एक मिनट, सभी के द्वारा सहयोग दिया गया था। सबसे बड़ा सहयोग मुझे महागठबंधन के द्वारा, जिसमें हमारे गार्जियन माननीय सुंदर प्रसाद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उन्हें भी नमस्ते करना चाहता हूँ। गणेश जी, इस बार आपकी प्राथमिकता गया जिला के लिए क्या होगी? मैं पहले भी गया शहर के लिए सेवा किया, जो गंदा शहर में गिनती आता था उसको सफाई स्वच्छता अभियान नंबर वन पर लाया। आज आपको गया शहर रांची पटना बंगाल में कहीं भी नहीं है, वहाँ से खाद का निर्माण किया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आगे भी मैं गया की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। इस बार किस वार्ड की कौन सा इनाम जीतने के लिए आप कोशिश करेंगे? पिछली बार तो आपने एक इनाम जीता, अवार्ड मिला। इस बार आप क्या करेंगे, क्या गुल खिलाएंगे कि कुछ नया आपको विदेश से अवार्ड मिले? इस बार मैं गया को नंबर वन पर लाना चाहता हूँ। भोपाल बना देंगे? भोपाल बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। उनको भी धन्यवाद।